भाई वाह, राजनीति में खुद के नंबर बढ़ाने के लिए नेता अपने आलाकमान को किस तरह खुश कर सकते हैं, इसकी वानगी तो आपने कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के इस बयान में देख ही ली। लेकिन ऐसे तेजस्वी नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है जिन्होंने अपने आलाकमान को कभी भगवान, कभी महापुरुष, तो कभी देश की मां तक बता दिया है। वैसे इन मामलों में खुद आलाकमान भी कहां पीछे रहता है। अपना गुणगान तो राजनीति में सभी को अच्छा लगता है, लेकिन तब क्या जब सत्ता के मद में चूर ये आलाकमान अपनी ही मूर्तियां बनवाकर लगाने की बात कह दे। दरअसल मंगलवार को राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत चुरू लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए सैनी समाज से समर्थन मांगने आए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने उद्बोधन में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद मीडिया में खुद ये खबर सुर्खियों में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का रूप कहने वाले अविनाश गहलोत ने कहा कि सनातन संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए मोदी की सरकार जरूरी है, क्योंकि मोदी जी भगवान के रूप है। देखिए, निश्चित ही जब जब धरती पे अधर्म बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, उस समय कहीं ना कहीं पृथ्वी पर कोई एक व्यक्ति ईश्वर के रूप में अवतार लेता है। और मैं सोचता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने आज 70 वर्ष से ज्यादा की उनकी उम्र है, उस उम्र में भी जिस ताकत के साथ में, ऊर्जा के साथ में काम कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि 142 करोड़ लोगों की आबादी के कल्याण की कामना करने के लिए ईश्वर ने उन्हें हमारे बीच भेजा है, इसलिए लगातार 10 सालों से एक दिन भी छुट्टी लिए बिना उन्होंने अनवरत रूप से काम किया है। आने वाला तीसरा कार्यकाल उनका यशस्वी तो होगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। 400 सीटों के पार भारत के अंदर एनडीए गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी का है वो बनेगा। राजस्थान की 25 सीटें जीतेंगे। चुरू लोकसभा सीट पहले से अधिक बहुमत के साथ में हम लोग जीतेंगे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के नेताओं ने मोदी की तुलना भगवान से की हो। हाल ही में बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने तो हिंदू महाकाव्य रामायण की घटनाओं का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शबरी और प्रधानमंत्री को भगवान राम तक कह दिया था। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करते हुए चित्तौड़गढ़ से लोकसभा सांसद सीपी जोशी ने सदन में कहा था कि शबरी त्रेता युग में भगवान राम का स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनका इशारा उस तरफ था जब संसद के संयुक्त सत्र के दौरान राष्ट्रपति संसद में प्रवेश कर रही थी, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे भगवान राम माता शबरी का सम्मान करने के लिए संसद के दरवाजे पर उनका स्वागत कर रहे हैं। हमने देखा है त्रेता युग में माता शबरी प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए आतुर थी, और आप जब संयुक्त सत्र की हम लोग बात करें, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जब संसद में प्रवेश कर रही थी, तब ऐसा लग रहा था कि उस समय त्रेता युग में शबरी माता प्रभु श्री राम का स्वागत कर रही थी, तो अभी ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम माता शबरी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन के लिए संसद के द्वार पर खड़े हैं, उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए। इससे पहले भी उत्तराखंड बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की बात कहें या उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, ऐसे दर्जनों नेता हैं जो समय समय पर महज अपने नंबर बढ़ाने के लिए मोदी की तुलना भगवान राम और कृष्ण से कर देते हैं। लेकिन जब इन्हीं नेताओं को टिकट नहीं मिलता या फिर कोई कार्य पूरा न हो, तो फिर देश की संवैधानिक संस्थाओं का अस्तित्व भी तुरंत ही खतरे में आ जाता है। वैसे इसकी शुरुआत साल 2014 के लोकसभा चुनाव में तब हुई थी जब दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहां तक कह दिया था कि अब भगवान राम भी चाहें तो मोदी को नहीं रोक सकते। वैसे इस नंबर गेम के खेल में विपक्षी नेता भी कम नहीं है। आपको याद होगा कि कैसे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने यूपीए की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को देश की मां तक बता दिया था। क्या कहते हैं वो फिल्म में, क्या कहा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। हमारे पास है ना माँ, वो हमारी नेता हैं, वो इस
देश की माँ है, राहुल जी की नहीं है, सिर्फ देश की माँ है। लेकिन निर्णय तो माँ का ही होगा ना, तो खुद बने या नहीं, नहीं निर्णय हम करें, माँ किसी और को कहें। हम ऐसी दोगली नीति नहीं अपनाते हैं। किसी को अगर हम अपना नेता मानते हैं तो उसका आशीर्वाद और उसका निर्णय और उससे जब हमें एक दिशा मिलेगी, उस दिशा पर हम चलेंगे, और उस दिशा से हमको भटकाने की कोई कोशिश करे तो हम तैयार नहीं। आला नेताओं के लिए उनकी पार्टी का कोई मंत्री ये बात कहे तो ठीक, लेकिन तब क्या हो जब खुद आला कमान ही अपनी मूर्ति स्थापित करने की बात कह दे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती द्वारा स्वयं की मूर्ति स्थापित करवाने जैसे कदम की आलोचना एक समय सभी पार्टियों ने की थी। ने मैटर के शुरू में ही कोर्ट ने बहुत ही सख्ती से, कोर्ट ने सुश्री मायावती के वकील को कहा है कि आपको ये फंड, जो पैसे हैं जो आपने खर्च करे हैं, ये आपको लौटाना पड़ेगा, आउट ऑफ दिस वे और दैट वे, देयर इज नो अदर वे। सुप्रीम कोर्ट ने ये लेकिन मैसेज आज पास कर दिया है कि आपको ये पैसा लौटाना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। 2007 में जब स्मारक बना रही थी मायावती जी, अपनी भी मूर्तियां बना रही थी, पर्सले के मूर्तियां बना रही थी, तभी हमने कहा था कि ये जनधन की लूट है, जनता की गाली कमाई का उपयोग वो अपनी प्रसिद्धि के लिए कर रही है। आज उस आरोपों पे पुष्टि है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला। लेकिन अपने घर में राम और दूसरे में रावण का अस्तित्व दिखाई देना दरअसल नंबर बढ़ाने का ही खेल है। नहीं तो आज के राम कल को रावण और कल के रावण आज के राम के रूप में पूजनीय कैसे बन जाते हैं, ये कोई नहीं समझ सकता। स्पेशल डेस्क से राजस्थान कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।